नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने जहां विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है, तो वहीं हमारे पड़ोसी देश में भी खलबली मची हुई है। इनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी हो रही है। आलम यह है कि पीएम मोदी की दोबारा जीत की उम्मीद ने पाकिस्तान मीडिया के भी पसीने ला दिए हैं। पाकिस्तान इस खबर से कितना घबराया हुआ है, इसका अंदाजा उसके अखबारों में छपी हुई खबरों से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने भी मोदी को लेकर अच्छा खासा लेख लिखा है। डॉन अखबार के संपादकीय में पत्रकार जाहिद हुसैन ने इफ मोदी रिटर्न्स नाम से एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर एग्जिट पोल पर यकीन करें तो नरेंद्र मोदी 5 साल के दूसरे कार्यकाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो हिंदू राष्ट्रवाद और आक्रामक राष्ट्रीय सुरक्षा के बलबूते पूर्ण बहुमत ही हासिल कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ तनाव कम होने की कोई संभावना नहीं है। मोदी की सत्ता में वापसी उनकी पाकिस्तान के प्रति बदले वाली नीति की वापसी होगी। देखना होगा कि मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में आक्रामक बचाव की नीति बदलेंगे या नहीं। जाहिद ने अपने लेख में ये भी लिखा है, मोदी वाजपेयी नहीं है, मोदी की वाजपेयी से तुलना करना गलत होगा। मोदी पाकिस्तान के साथ बातचीत से ज्यादा शक्ति के जरिए पाक पर दबाव डालेंगे। इसके अलावा पाक मीडिया ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर भी चिंता जताई है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मोदी कश्मीर के मुद्दे पर अपनी रणनीति बदलेंगे। इससे कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के रिश्तों पर पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इफ मोदी लूजेस इंडियन इलेक्शंस में लिखा है कि बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का मतलब होगा कि भारत में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का अंत हो जाएगा और इसके साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा। वहीं पाकिस्तान के दूसरे अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने भी लिखा है, मोदी और बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाकिस्तान विरोधी राह पर चलने का वादा किया है। इन सभी लेखों से जाहिर है कि पाकिस्तान में मोदी के आने की आहट भर ने उनके पसीने ला दिए हैं और पाक मीडिया ये मानकर चल रही है कि पीएम मोदी आगे भी पाकिस्तान के साथ कोई नरम रुख लेकर चलने वाले नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सुधरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भारत पहले भी ये बात कह चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंक के खिलाफ असरदार कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं है। और जैसे कि एग्जिट पोल इशारा भी कर रहे हैं, अगर मोदी आ गए तो पहले से कंगाल हो गए पाकिस्तान की, तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाएंगी।